हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ की हिंदी की संचयन बुक से पार्ट एक गिल्लू के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझ लिया था और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। जो सोन जूही को जो उन्होंने देखा था, जहाँ पर गिल्लू को दफनाया गया था, वहाँ पर गिल्लू को दिखनाया गया था, जहाँ पे लेखिका है उनके वन में, उसे देखकर क्या विचार उमड़ने लगे। मैं वो क्वेश्चन आंसर बोल रहा हूँ, आप आंसर लिख लीजिए। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के रूप में पीली फूल के रूप में लेखिका के सामने प्रकट हुआ है। यह दृश्य देखकर लेखिका के मन को बहुत ही अच्छा लगता है और गिल्लू का जो उनके मन में प्रेम था गिल्लू के प्रति, उसको देखकर संतुष्टि की भावना आती है कि यदि यही यहाँ पर गिल्लू को दफनाया गया था और गिल्लू जो था फूल बनकर उसको दर्शन दे रहा है, लेखिका के मन में असीम प्रेम भाव जग जाता है। इस क्वेश्चन में मीन्स ये बताया गया है कि जो सोन जूही में जो पीली कली लगी हुई थी उसको देखकर लेखिका के मन में विचार उमड़ने लगते हैं। उसके मन में यह विचार आया कि जो गिल्लू है उसे सोन जूही में मिट्टी में दबा दिया था, इसलिए अब वो मिट्टी में विलीन हो गया होगा अब तक तो वह, और जो उसे देख और वो लेखिका सोच रही थी कि जो गिल्लू है वो ये फूल बनकर उसमें से फूल बनकर लेखिका को दर्शन दे रहा है, उसके जो देखने पर लेखिका उसको देख कर बहुत उनके मन में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है, मन में बहुत अच्छा लगता है उनको ये सब ये दृश्य देख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोए को, कौवा है जो, उसको हम समादृत भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं और अनादृत प्राणी भी मानते हैं। ऐसा क्यों है? अनादृत मीन्स अच्छा नहीं मानते, वो अच्छा नहीं माना जाता उसको। ऐसा इसलिए कोए को समादृत इसलिए कहा गया, पहले हम समादृत देखते हैं उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पितृपक्ष में उसकी पूजा की जाती है, इसलिए पूजा की जाती है कि उसके पितृपक्ष में पूजा की जाती है। वो पूजा इसलिए की जाती है, जो कौवा है जो पूर्वजों के रूप में प्रकट हुआ है, वो पूर्वजों के रूप में प्रकट हुआ है, हम लोगों को दर्शन देने आया है, वो जो कौवा है हम लोगों को दर्शन देने आया है। दूसरे जब कोए जब बोलते हैं तो हमें उसकी आवाज़ कशकश लगती है, जब कोए मीन्स वो काँव काँव की आवाज़ करते हैं, उनकी आवाज़ हमें कर्कश लगती है। कर्कश मीन्स कानों को न बहने वाली, मीन्स कानों को न अच्छी लगने वाली, हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते, उसका तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। तो इस तरह लोग कोए को सभी आदर करते हैं, और जब वे कोई आवाज़ करता है तो लोग उसका तिरस्कार, जब मीन्स हम समाधि इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पूर्वजों के रूप में प्रकट हुआ है, और उसको हम अनादृत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसकी जो काँव काँव की आवाज़ है वो कर्कश लगती है, अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। जो गिलहरी का घायल बच्चा था गिल्लू, उसका उपचार लेखिका ने किस प्रकार किया, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। आंसर, माँ देवी वर्णा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ही ध्यान से ममतापूर्वक किया है। जो गिलहरी का बच्चा है माँ देवी वर्मा ने, मीन्स लेखिका ने, उन्होंने बड़े ही प्यार से ममतापूर्वक किया है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को जब कोई बीमार हो जाता है या उनको चोट लग जाती है उन्हें ठीक करने में लगे रहते हैं, मीन्स उनको दवाई देते हैं, पट्टी लगाते हैं, इसी तरह लेखिका जो है गिलहरी के लिए सेवा भाव में उसके घावों के ऊपर मरहम लगाती है और पेनिसिलिन का मरहम लगाती है,
और उनके रक्त को पोंछती है और गिल्लू को रूई से दूध पिलाने की कोशिश करती है, परंतु जब गिल्लू के मुंह जो दूध नहीं पीता, वो मीन्स उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं जाती, तो लेखिका उनको पानी पिलाने की कोशिश करती है गिल्लू को। फिर कुछ घंटों के बाद, कई समय के प्रयास करने के बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी चला जाता है और तीसरे दिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? जो लेखिका है उनको उनका ध्यान भटकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? इसका आंसर है, गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था और तेज़ी से फिर नीचे भी उतर जाता, तेज़ी से एकदम से नीचे उतर जाता था। यह लगातार जब तक करता था जब तक माँ देवी वर्मा उसको उठाकर लिफाफे में न रख लेती। ये जब तक करता है जब तक माँ देवी वर्मा लेखिका है जो उसको लिफाफे में ना बिठा ले एकदम। तभी हमने पढ़ा था कि उसके जो दो पंजे हो लिफाफे से बाहर और मुंह बाहर रहता और सारा शरीर उसमें लिफाफे में ढक जाता है। यह लगातार जब तक करता था जब तक माँ देवी उसको उठाकर लिफाफे में न रख लेती थी, अपनी गोद में बैठा न लेती थी। मीन्स यह सब इसलिए करता था क्योंकि उसके हृदय में माँ के जैसे प्रेम हो गया था। जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, उसी तरह गिलहरी को भी लेखिका से जो माँ के जैसा प्रेम हो गया था, इसलिए ये सब करता था गिल्लू उनका जो लेखिका का ध्यान भटकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि गिल्लू को हम मुक्त क्यों कर दिया था, जब हमने चैप्टर के बीच में म्यूट क्यों कर दिया था, और लेखिका ने ऐसा क्यों समझा, उसके लिए क्या क्यों मीन्स समझा कि उसे मुक्त कर देना चाहिए, और उसके लिए उस लेखिका है उन्होंने क्या किया? आंसर, महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है। महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है और उसका पहला वसंत भी आ चुका है। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियाँ भी आकर चिक चिक की आवाज़ किया करती थी, और जो गिलहरियाँ वो भी खिड़की के बाहर आकर चिक चिक की आवाज़ करती थी उससे मिलने के लिए किया करती थी और उससे प्रेम किया करती थी। तो लेखिका के मन में ऐसी भावना आई और लेखिका ने इस वजह से सोचा कि ऐसी भावना आई उनके मन में कि इसको मुक्त किया जाए, ताकि बाहर जो भी उसके सगे संबंधी है, जो मीन्स जो उन्हें गिलहरियाँ पुकारती है चिक चिक की आवाज़ करती है, उससे मिल जुल सकेगा। इसलिए महादेवी वर्मा के घर की इसलिए महादेवी वर्मा ने उसे आज़ाद कर दिया। मीन्स घर से बाहर वो फिर उसके लिए उन्होंने यह उपाय किया कि महादेवी वर्मा के घर जो खिड़की थी उस कमरे में जिसमें वो गिल्लू रहता था, उस खिड़की थी उसकी जाली को थोड़ा सा मोड़ देती है, रास्ता बना देती है और उस तरफ से जाकर अपनी जो गिल्लू जो उसके सभी संबंधी है दोस्त हैं उसके उनसे मिलता और पूरा दिन उससे मिलता था और शाम को ठीक 4 बजे वह गिलहरी गिल्लू लेखिका के झूले में जाकर बैठ जाता था। तभी मीन्स जब इसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखिका है कमरे में आते ही गिल्लू कमरे में आ जाता था चार बजे और फिर वो उसमें बैठ जाता था जिसमें वो बैठता था सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू किन अर्थों में प्रचारिका की भूमिका निभा रहा है? जो गिल्लू है वो किन अर्थों में जो प्रचारिका होता है सेविका की सेवा करने में किन अर्थों में वो सेवा कर रहा था, कैसे कर रहा था? आंसर, जिन दिनों महादेवी वर्मा अस्वस्थ होकर घर में लेटी थी, जब उनको जो मोटर दुर्घटना ने उनको अस्पताल जाना पड़ा था, वहाँ से आने के बाद वो महादेवी वर्मा अस्वस्थ होकर लेटी थी, तो गिल्लू उसके सिराने जाकर बैठता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब लेखिका कुछ अस्वस्थ सी हो जाती थी और जब सो जाती थी, जब गिलहरी उनके सर के पास बैठ जाता था, वो जो गिल्लू है वो उनके सर के पास बैठ जाता था लेखिका के पास जब वो सो रही होती थी, और अपने छोटे छोटे पंजों से उसका सर दबाता था, जो लेखिका उनका सर दबाता था छोटे छोटे पंजों से, यह उसको बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि लेखिका को ऐसा लगता था कि उनके कोई अपने सगे संबंधी ऐसा कर रहे हैं, उसको काफ़ी अच्छा लगता था ये सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू को कि किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगता था कि अब उसका अंतिम है। गिल्लू के जो गिल्लू है उनकी किन चेष्टाओं, किन अर्थों मीन्स कैसे पता चला लेखिका को कि उसका अंत समीप है, मीन्स उसकी मृत्यु होने वाली है, कैसे पता चलता है। गिल्लू को की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेव को लगता है कि उसका अंत समीप है, अंत निकट है, पास है। नंबर फर्स्ट, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। वह रात को अपने झूला छोड़कर महादेव के बिस्तर पर आ गया, जैसे हमने पढ़ा था कि रात को छोड़कर अपना बिस्तर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उसका उसकी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया। यह सब भावना को देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि आज गिल्लू विदा हो जाएगा। और लेखिका ने फिर हीटर चलाया, उसे गर्म करने की कोशिश की और इस भावना से यह प्रकट होता है कि गिल्लू का अंत समीप है। प्रभात, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका हम आशय स्पष्ट करना है, इसका आशय यह है कि जो सुबह पहली सूरज की पहली किरण निकलते ही गिल्लू जो है उस जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन में जाने के लिए सो गया। जो गिल्लू है उसने ये जीवन अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए और वो इस जीवन से छोड़कर कोई नया जीवन तो लेगा ही, उस जीवन में जाने के लिए सो गया वो। लास्ट क्वेश्चन, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। जो सोनजूही के नीचे वो जहाँ पे गिल्लू को दफनाया गया था उससे उसके मन में क्या विश्वास होता है, उसके मन में इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जग गया कि एक न एक दिन गिल्लू इस सोनजूही की बेल पर पीले फूल के रूप में जन्म लेगा। पीले फूल के इस बेल की ना जो पीले पीले रंग के फूल में पीले फूल में इसमें पीले फूल के रूप में जन्म लेगा वो फूल के रूप में। या हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डिस्कस हमने कर लिए और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।